नमस्कार, मैं अंजलि मिश्र, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर कई जगहों पर जो है राज्यसभा चुनाव को देखते हुए वोटिंग हो रही है, लगातार वोटिंग जारी है। शाम को 4 बजे तक वोटिंग होने वाली है और इसके बाद मतगणना जो है शुरू की जाएगी। ऐसे में आपको बता दें कि बड़ी खबर जो है इस वक्त हरियाणा राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई निकलकर सामने आ रही है, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाने वाली है और कांग्रेस के 2 वोट को खारिज करने के लिए, इनवैलिड करने के लिए अपील करने वाली है। और इससे ये होगा कि कांग्रेस के जो लीडर है अजय माकन, उनका लगभग जीतना जो है काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इस वक्त हरियाणा राज्यसभा चुनाव से ये जुड़ी हुई अपडेट निकलकर सामने आ रही है। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटें हैं, दोनों राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जो है आज सुबह 9 बजे से लगातार जारी है। मतदान की प्रक्रिया शाम 4 बजे तक का चलेगी और शाम को 5 बजे के बाद मतगणना शुरू होनी है। मतगणना के मतदान के दौरान 2 कांग्रेसी विधायकों के वोट रद्द होने की जानकारी भी मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक दोनों ने अपना वोट अपने एजेंट के अलावा जजपा पार्टी के एजेंट दिग्विजय चौटाला को जो है दिखा दिया था, जिसके बाद ये मामला निकलकर सामने आया। यानी कांग्रेस की मुश्किलें निरंतर जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। किरण चौधरी ने कहा कि वह प्रभारी को वोट दिखाकर आई हैं, उसके बाद उन्हें जानकारी नहीं है कि उसका वोट रद्द कर दिया गया है। वहीं आपको बताया कि कांग्रेसी विधायक बस में सवार होकर विधानसभा पहुंचे हुए थे। कांग्रेसी विधायक बिशन लाल सैनी ने कहा कि उनके उम्मीदवारों को 35 वोट मिलेंगे, यदि इतने वोट नहीं आए तो वो अपना मुच्छ जो है मुंडवा लेंगे। उसके साथ ही आपको बताया संघ विधायक शमशेर सिंह गोनी ने कहा कि भाजपा वाले ऐसी अफवाह फैलाने में काफी ज्यादा मशहूर है कि वोट इसका रद्द हो गया, उसका वोट रद्द हो गया। इससे पहले सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल विधानसभा पहुंचे और मतदान किया था। सीएम ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए अपना वोट देकर उन्होंने लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि संसद के ऊपरी सदन में हमारे चुनकर आने वाले प्रतिनिधि राष्ट्र सेवा और नीति निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। वहीं निर्दलीय विधायक रणधीर गोलान का दावा है कि एक कांग्रेसी विधायक का वोट रद्द हुआ है, हालांकि उन्होंने नाम बताने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर रामकुमार गौतम ने भी वोट डाला। रामकुमार गौतम ने अपने एजेंट दिग्विजय पर तंज कसते हुए कहा कि अब दिग्विजय को वोट दिखाना होगा। अब अभय चौटाला ने भी कहा कि अपना वोट कार्तिकेय शर्मा को दिया, जितनी जीत उनकी ही होनी है। तो आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके से जो है ये काफ़ी आपको बता दें कि दिलचस्प होता हुआ नज़र आ रहा है ये पूरा मामला। भाजपा जजबा और 6 निर्दलीय विधायक न्यू चंडीगढ़ के सुखविलास रिजॉर्ट में जो है रुके हुए थे। ये सभी विधायक वहां से विधानसभा पहुंचे और भाजपा जजबा को भी हॉर्स ट्रेडिंग का जो है ये कहा जा रहा था कि भय सता रहा है, इसलिए उन्होंने अपने विधायकों को सुखविलास रिजॉर्ट में 2 दिन के लिए ठहराया। हालांकि भाजपा नेता इस प्रक्रिया को प्रशिक्षण का नाम जो है वो कहते नजर आए थे। तो 3 उम्मीदवार हैं, 2 सीटें हैं। कौन कौन से उम्मीदवार हैं, किस पार्टी के, इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। हरियाणा के 2 राज्यसभा सीटों पर 3 नामांकन दाखिल हुए हैं। भाजपा के हैं कृष्णलाल पवार, कांग्रेस से अजय जो है माकन है और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कार्तिकेय शर्मा चुनाव मैदान में है। 2 सीटें हैं, किसी दो और जो है इसमें से किसी एक का पत्ता जो है कटने वाला है। कार्तिकेय को जजपा के 10 और 6 निर्दलीय विधायकों हलोपा एक इनेलो के 1 विधायक का समर्थन प्राप्त है। 1 निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने अभी अपने समर्थन की घोषणा नहीं की है। निर्दलीय विधायक और बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कार्तिकेय का नामांकन दाखिल करवाया था। तो ऐसे में ये काफ़ी दिलचस्प जो है यहाँ का चुनाव देखने के लिए मिल रहा है। तो एक तरफ हरियाणा राज्यसभा को लेकर आपको हमने अपडेट बताई कि क्या अपडेट निकल कर सामने आ रही है। वही अगर बात करें हम महाराष्ट्र की, तो दोपहर 1 बजे तक की हम बात करें तो 1 बजे तक 260 MLA ने अपने वोट जो है डाल दिए हैं और इसके बाद अभी भी लगातार जो है मतगणना चालू है। इस बीच जिस तरीके से बीजेपी को हराने के लिए AIMIM के साथ जो है गठबंधन देखने के लिए मिला है, चुनावी गठबंधन जो है राज्यसभा को देखते हुए मिला है, इसे लेकर अब जो है मनसे वगैरह से भी तंज कसा जा रहा है। गौतम जी से भाजपा नेता गौरव गौतम जी ने ट्वीट किया है, ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि राज्यसभा चुनाव में शिवसेना और ओवैसी की पार्टी AIMIM में गठबंधन, इतिहास भूलेगा नहीं कि कैसे एक पुत्र ने अपनी निजी फायदे के लिए अपने पिता की सांस्कृतिक धरोहर और पार्टी की नींव खर्च कर डाली थी। बता दें कि लगातार जो है ये बात निकल कर सामने आ रही है, लगातार जो है AIMIM और शिवसेना का जो गठबंधन है इसे लेकर तंज कसा जा रहा है। लगातार यही कहा
कहा जा रहा है कि किस तरीके से इनके खिलाफ बोलने वाले आज के वक्त में इसे लेकर लगातार जो है बयानबाजी कर रहे थे, खिलाफ बोल रहे थे, खिलाफ बोलने वाले लोग अब AIM को बीजेपी की बी ग्रेड पार्टी, सी ग्रेड पार्टी कहने वाले लोग, AIM के असदुद्दीन ओवैसी को लेकर जो है संजय राउत को जो एग्जाम्पल दिया जा रहा था कि ये यहाँ के ओवैसी हैं, इस पर भी उन्होंने कहा था कि ये तो भाजपा के साथ गठबंधन में है, ये भाजपा को जिताने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और आज उसी शिवसेना ने जिन्होंने कई सारी जो टिप्पणियां हैं उनके तरफ से की गई थी, और उसके बावजूद अब आप देख सकते AIMIM और अब शिवसेना का जो है साथ देखने के लिए मिल रहा है। शशांक शेखर झा ने भी इसे लेकर क्या जो है ट्वीट किया था कि अब शिवसेना और AIMIM जो है साथ में है और वो साथ में मिलकर भाजपा को हराने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बलराज कुंडू के ऊपर भी सभी की निगाहें जो है टिकी हुई थी क्योंकि निर्दलीय विधायक थे और ये कहा जा रहा था कि इनका वोट काफी मायने रखता है। और इसी बीच कार्तिकेय शर्मा को वोट देने के लिए जो है इन्हें मनाया जा रहा था, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं और उन्हें वोट देने के लिए मनाया जा रहा था। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि जो हरियाणा राज्यसभा से जुड़ी हुई बात है वो ये है कि बलराज कुंडू का बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैं कार्तिकेय शर्मा या किसी अन्य उम्मीदवार को वोट नहीं दूंगा और आज अनुपस्थित रहूंगा, यानी वो उपस्थित ही नहीं होंगे। उन्होंने कहा मैं हरियाणा के लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, यहाँ विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए मंडी है, मुझे कई प्रस्ताव मिले लेकिन कोई मुझे खरीद नहीं सकता या मुझे धमकी नहीं दे सकता है। तो अब देख सकते हैं कि ये निगाहें टिकी हुई थी इनके ऊपर, बलराज कुंडू को लेकर काफी ज्यादा जो है बात कही जा रही थी, बार बार ये कह रहे थे कि इन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो है कार्तिकेय को ये वोट डाले। लेकिन अब इन्होंने सीधा जो है अपना पाँव पीछे खींच लिया है, उन्होंने मना कर दिया है कि अब वो इस खरीद फरोख्त मामले में और इन सब चीज़ों से जो है काफ़ी पीछे है। वहीं आपको बताया कि इस तरीके से भी जो है सूत्र के हिसाब से ये भी खबर आ रही है कि कुलदीप बिश्नोई जो है उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ अब जो है वोट डाला है। तो ऐसे में एक के बाद एक कई सारे अपडेट्स जो है निकल कर सामने आ रही है राज्यसभा चुनाव की, जो अलग अलग जगहों पर यानी हरियाणा, राजस्थान, जिस तरीके से जो है महाराष्ट्र, हर जगह देखने के लिए मिल रही है। इसी बीच आपको बताया कि लगातार जो है अपडेट्स मिल रही है, लगातार जो है इधर उधर जो वोट्स है वो देखने के लिए मिल रहा है। भले विधायकों को अलग रखा गया हो ताकि वो एक दूसरे से मिल ना पाए और बात ना कर पाए, लेकिन विधायकों में भी हलचल जो है लगातार जारी है। दोनों पार्टियां, जो अलग अलग पार्टियां हैं, वो अपनी जीत का दावा कर रही है। और इसी बीच जो है मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की मुश्किलें हर जगह ही बढ़ रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में उन्होंने प्रतापगढ़ी को खड़ा किया, उससे भी उनके ऊपर परेशानी मंडरा रही थी क्योंकि आपस के जो लोग थे, विधायक थे, वही काफ़ी ज़्यादा रुष्ट नज़र आए थे ये कहते हुए कि क्या हम यहाँ नहीं थे जो उन्होंने बाहर से किसी को उठाया और राज्यसभा से टिकट दे दिया। वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर भी कुछ ऐसा ही आलम चल रहा है। लगातार जो अपडेट्स निकल कर आ रही है, किसी का वोट खारिज हो रहा है, किसी का कुछ जो है वो अपडेट लेकर सामने आ रही है। और इसी बीच ये भी निकलकर खबर सामने आई कि बीजेपी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफिस जाने वाली है और दो वोट जो है कांग्रेस के उसे खारिज करने के लिए कहने वाली है। और इससे कांग्रेस के जो लीडर है अजय मकेन, उनका जो जीतना है वो काफी ज्यादा मुश्किल होता नजर आएगा क्योंकि कांग्रेस ने बहुत गिने चुने तरीके से अपनी वोट जो है तैयार करके रखी थी और उस वोट के कट जाने से मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। वहीं आपको बताया कि AIMIM और शिवसेना के अचानक हुए इस गठबंधन से महाराष्ट्र में भी थोड़ा ज्यादा जो है समीकरण बदलते नजर आए और इस गठबंधन को लेकर लगातार जो तंज जो है वो कसा जा रहा है, मनसे कहिए या फिर आप कह सकते हैं कि बाकी जो अलग पार्टियां हैं, भाजपा कहिए, वो सभी आज के वक्त में AIMIM है उसे लेकर जो है बयानबाजी कर रही है कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे और शिवसेना ने इतनी टिप्पणियां करने के बावजूद, इतना जो है बुरा भला कहने के बाद आज के वक्त में जीत के लिए AIMIM के साथ हाथ मिला लिया, गठजोड़ कर लिया ताकि इस चुनाव को वो जीत सके। ऐसे में साफ तौर पर देख सकते हैं, हमने ये जो मामला है बड़े विस्तार से बताया कि इस वक्त हरियाणा और महाराष्ट्र के राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई क्या कुछ डिटेल निकल कर सामने है, इससे हमने आपको अवगत कराया है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।